मैं अयोध्या नगर बोल रहा हूं। मेरा नाम अयोध्या इसलिए पड़ा क्योंकि मुझे युद्ध में ना तो कभी पराजित किया जा सका और ना ही किया जा सकेगा। वेदों में मुझे ईश्वर की नगरी कहा गया है और मेरी संपन्नता की तुलना स्वर्ग से की गई है। आदिकाल से मैं पवित्र सरयू नदी के तट पर 12 योजन लंबाई और 3 योजन चौड़ाई में बसा था। कई शताब्दियों तक मैं सूर्यवंशी राजाओं की राजधानी रहा। मेरा इतिहास हिंदू धर्म के सबसे पुराने इतिहास में से एक है। मेरी उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मनु से संबंधित है। मैं और मेरा सूर्यवंशम मनु के पुत्र इक्ष्वाकु से प्रारंभ हुआ था। वेदों और प्राणों में मुझे अयोध्या के नाम के साथ और भी कई प्राचीन नामों से पुकारा गया है, जैसे साकेत, कौशलपुर, अवध, श्रावस्ती और अयोध्या। मेरा नाम अयोध्या यूं ही नहीं पड़ा, बल्कि इसके पीछे बहुत बड़ा धार्मिक महत्व है। स्कंद पुराण के अनुसार आ अक्षर ब्रह्मा है और यह अक्षर विष्णु है तथा धा अक्षर शिव का स्वरूप है। यदि आप वेद व्यास के हाथों लिखित अथर्व वेद के पन्नों को पलटेंगे तो भारत की सबसे प्राचीन सप्तपुरियों में प्रथम स्थान पर आपको मेरा की नाम दिखाई देगा। रामायण काल से मैं कौशल जनपद की राजधानी हुआ करता था, इसलिए मेरे आराध्य प्रभु श्री राम को कोसलपुर राजा के नाम से भी जाना गया। मैं अयोध्या बोल रहा हूं, कितने ही देवता, दानव, मनुष्य और शासक आकर चले गए। सदियां बीत गईं और फिर युग बीत गए, लेकिन मैं यही सरयू के तट पर अडिग रूप से खड़ा सब कुछ देखता रहा। मैं वो महासौभाग्यशाली नगर हूं जिसकी गोद में खेलकर रघुनंदन श्रीराम बड़े हुए। वो जन्मभूमि जहां मेरे आराध्य राम लल्ला ने पहली किलकारी की, वो दशरथ महल जहां मेरे प्रभु का बचपन बीता, वो वन मार्ग जहां से गुजरकर रामचंद्र जी गुरु वशिष्ठ के साथ गुरुकुल गए, वो अवधपुरी जहां से श्रीराम की भव्य बारात निकली थी, वो कनक महल जो महारानी कैकई ने सीता जी को मुंह दिखाई पर भेंट किया था, वो सरयू का किनारा जहां श्री राम और मां सीता ने पहली होली खेली, वो हनुमानगढ़ी जहां हनुमान जी ने कई वर्षों तक रहकर अयोध्या की रक्षा की, वो राम की पेड़ी जहां खड़े होकर राम लक्ष्मण ने संसार के सारे तीर्थ स्थानों के एक साथ दर्शन किए, वो सहस्त्र धारा घाट जहां लक्ष्मण जी ने अपनी देह त्यागी और शेषनाग के रूप में दिखाई दिए, वो गुप्तार घाट जहां स्वयं मेरे प्रभु श्री राम जल समाधि लेकर बैकुंठ को लौट गए। मुझसे विदा लेते वक्त उन्होंने मुझे अमर और अजेय रहने का वरदान दिया था। मेरी आंखों में बिछो के अंशुल भर आए थे। मैं अयोध्या बोल रहा हूं, यह सभी कुछ अपनी इन्हीं आंखों से देखा है मैंने। मेरे प्रभु जब 14 वर्षों के वनवास पर चले गए तब मेरे नगर का बच्चा बच्चा रोया था। महाराज दशरथ को मैंने पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर अपने प्राण छोड़ते हुए देखा है। मैं वहीं उनके पास ही खड़ा था। सभी रोए लेकिन मैं फिर भी कमजोर नहीं पड़ा। मुझे विश्वास था कि मेरे कोने कोने को अपनी आभा से प्रकाशित करने वाले प्रभु श्रीराम एक दिन लौट कर आएंगे। वो दिन भी आया जब सबके प्राणों से प्यारे श्रीराम वनवास से लौट कर आए। उस दिन मेरी भूमि पर महादीपोत्सव मनाया गया था। मेरी शोभा को मानो 4 चांद लग गए हों। मैंने अपनी आंखों से श्रीराम का राज्याभिषेक होते देखा, जिसके पश्चात उन्होंने 11,000 वर्षों तक राज्य संभाला और मेरी गरिमा को सजाए रखा। श्रीराम के शासन के वो 11,000 वर्ष जो आप सभी ने केवल पुराणों के प्रश्नों में पढ़े, मैं उसके एक एक पल का साक्षी हूं। मैं अयोध्या बोल रहा हूं, लेकिन मेरे प्रभु के बैकुंठ लौट जाने के बाद मैंने जो संघर्ष किया उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। श्रीराम के जाते ही संपूर्ण अयोध्या पर बसने वाले मंदिर, राजमहल, घर द्वार सभी को मैंने सरयू में समाहित होते देखा। वह दृश्य मैं आज भी नहीं भूल सकता। जब मात्र मेरी भूमि ही शेष रह गई थी, अनेकों वर्षों तक यह भूमि यूं ही रिक्त पड़ी रही और मैं प्रतीक्षा करता रहा इसे पुनः सुसज्जित करने वाले की। अनेकों वर्षों बाद यहां प्रतीक्षा खत्म हुई और भगवान राम के पुत्र महाराज कुश ने अपनी युवावस्था में सर्वप्रथम अपने पिता श्री राम की पुण्य जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण करवाया। सूर्यवंश की अगली चमालीसवीं पीढ़ियों तक अस्तित्व में रहा। वर्ष बीतते गए और पूरा युग बीत गया। मैंने पूरा द्वापर युग का आरंभ भी देखा और उसका अंत भी। सूर्यवंश के अंतिम राजा वृद्धमल की मृत्यु महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु के हाथों हुई और उसके बाद मैं एक बार फिर अकेला पड़ गया। कलयुग का आरंभ हुआ।
समय के साथ धीरे धीरे मैं लुप्त होने लगा। मेरे इस अयोध्या नाम को जानने वाले सभी मुझे छोड़कर चले गए। कलयुग के आते ही मेरी फिर से अस्तित्व में आने की उम्मीद टूटने लगी, लेकिन कदापि मेरे आराध्य श्री राम की ही कृपया थी कि कलयुग के आरंभ में एक दिन चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य शिखार खेलते हुए मेरी अयोध्या भूमि पर पहुंचे, मुझे एक असामान्य भूमि जानकर खोज आरंभ कर दी और ज्ञात किया कि यह श्री राम की जन्मभूमि है। बाद में विक्रमादित्य ने यहां भव्य राम मंदिर के साथ साथ 360 हिंदू मंदिरों का निर्माण करवाया, जिनकी भव्यता देखते ही बनती थी। कलयुग में मुझ अयोध्या का अस्तित्व एक बार फिर लौट आया। इसके बाद समय समय पर मैंने अच्छे और बुरे दिन देखे, लेकिन मैं अडिग रहा। साल 1033 में मुगल आक्रांता सालार मसूद ने मेरे मंदिरों को नष्ट किया। 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने मंदिर निर्माण के लिए कमेटी का गठन किया और हिंदुओं को एक छोटी सी विजय के रूप में यहां अपने प्रभु श्री राम की पूजा करने के अनुमति मिली। इसी क्रम में साल 1992 में कई हिंदू संगठनों ने मिलकर मस्जिद के विवादित ढांचे को गिरा दिया, जिसके बाद देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे, जिसमें 2000 से ज्यादा लोगों को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। साल बीतते गए, अदालत की सुनवाई जारी रही, अर्जियां लगती रहीं, तारीखें मिलती रहीं, लड़ाई लड़ने वाले चेहरे भी बदलते गए, लेकिन इन सब के बीच में अयोध्या डटकर खड़ा रहा, इस उम्मीद के साथ कि यह मेरे प्रभु श्री राम की भूमि है जो कोई नहीं छीन सकता। आखिरकार बहुत लंबी प्रतीक्षा के बाद साल 2019 में इस लड़ाई में पहली विजय मिली, जिससे मेरा रोम रोम खिल उठा। जब सुप्रीम कोर्ट ने प्रभु श्री राम के पक्ष में फैसला सुनाया और 2.77 एकड़ भूमि को मेरे राम लल्ला के लिए लौटाया, साल 2020 में श्री राम लल्ला के मंदिर के भव्य पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो मुझे मेरी दूसरी विजय के रूप में प्राप्त हुआ, और मेरी तीसरी और अंतिम विजय आज सभी के सामने है। जब साल 2024 में अद्वितीय और भव्य मंदिर निर्माण के बाद 22 जनवरी को स्थायी रूप से मेरे सर्वस्व श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की गई है, जिसकी एक झलक देखने के लिए हर कोई लालायित है, मैं अयोध्या बोल रहा हूं। आज मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं मानो मेरी युगों युगों की तपस्या सिद्ध होने जा रही है। मैं नहीं जानता कि आप में से किसे ये सारी बातें सत्य लगती हैं और किसे केवल कल्पना लगती है, लेकिन मैं वो अयोध्या हूं जिसने अपनी आंखों से इन सभी दृश्यों को देखा है। युगों युगों से कठिन समय को मैंने जिया है और मुझसे बेहतर भला ये कौन जानता है। लोग आते जाते रहेंगे, युग बदलते रहेंगे, लेकिन मेरे आराध्य श्री राम हर युग में है, हर काल में है, हर घड़ी में है। दृश्य और अदृश्य दोनों रूप से यहां सदैव उपस्थित रहेंगे और मेरे उस मंगल भवन के दरबार में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं। आप एक सच्चे राम भक्त हैं तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। जय जय श्री राम। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही और अगली वीडियो में, तब तक के हर हर महादेव।